तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग इसका किस चीज के ऊपर होगा। वैसे तो आप लोग मेरे थंबनेल देख के समझ ही जाओगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ में मेरे जो 9 मंथ है वो आप लोग के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज, मैं आप लोग के साथ में आज मेरी 9 मंथ की जो जर्नी है वो आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज, देखते रहिए, देखते जाइए कि मेरे 9 मंथ कितने ज्यादा क्रिटिकल थे। बहुत, मतलब ऐसा था कि लोग, लड़कियां सोचती है अरे यार प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ये चीजें बहुत ही मतलब आराम से होती है, ये है वो है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ टेंशन नहीं होती। गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब मम्मी बन चुके होंगे वो चीज उन लोगों को पता है कि नहीं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये चीज मुझे भी नहीं पता थी, मुझे बहुत ही ज्यादा आसान लगता था गाइज, सीरियसली बहुत ज्यादा आसान लगता था। लेकिन ये 9 मंथ की जो जर्नी होती है ना, वो मदर्स के लिए आसान नहीं होती है वाली हूँ। तो चलो, और मेरे पास वीडियो भी है कुछ, मैं आप लोगों के साथ में जैसे जैसे मैं बोलता रहूंगी ना, वैसे वैसे मैं वीडियोस ये वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। तो मेरा फर्स्ट मंथ ऐसा था गाइज, जब मुझे जिस दिन पता चला ना कि मैं प्रेग्नेंट हूं, उस दिन मैंने टेस्ट करी। मतलब ऐसा था कि मेरे को ना सपना आया, फिल्मी है गाइज, आप लोग भी सोच रहे यार क्या फिल्मी, लेकिन ये सच है। मुझे ना ऐसा सुबह के 8 बज रहे थे और मुझे ना सपना आया कि अरे यार मेरा पॉजिटिव आ गया, और जब से ऐसा ना मेरी आंख खुल गई, और मैंने ना वो किट ना रात में ही मंगवा के रखी थी। जब सुबह उठी मैं और मैंने डायरेक्ट टेस्ट किया और पॉजिटिव, और इतनी खुशी, इतनी खुशी, अब खुशी कंट्रोल नहीं हो रही। मैं किसके साथ में शेयर करूं? सबसे पहले आप लोग गेस करो किसके साथ में शेयर करी होंगी। तो चलो कोई नहीं कोई नहीं, मैं बता देती हूँ आप लोग को। सबसे पहले मैंने हुदापी के साथ में शेयर करी हुई ये चीज। हुदापी को कहूँ हुदापी ऐसी ऐसी बात है, हुदापी की नींद उड़ गई ना, अरे यार आईफा अब मेरे को नींद नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। सबसे पहले, और जो भी मैं चीजें करती हूँ या जो भी क्राइम पार्टनर मेरी हुदापी है गाइज, जो भी मेरी क्राइम पार्टनर है ना हुदापी, हर चीज मैं हुदापी के साथ में शेयर करती हूँ, मेरी अच्छी चीज, मेरी बुरी चीज। अब मतलब मैं बहुत बोला, मैं प्यार सबसे ज्यादा भाई से करती हूँ, मेरे को नहीं तेरी हर चीज हजम नहीं होती है। प्यार मैं सबसे ज्यादा भाई से करती हूँ, ये बात तो सच है, लेकिन हुदापी से भी मैं प्यार करती हूँ। हुदापी को मेरे सारे राज पता होते हैं, हुदापी को मेरी हर चीज पता होती है। मैं जब टेंशन में, तो हुदापी को पता है हाँ इसको टेंशन है, हाँ इसको कुछ तो प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो चलो ऐसा है। और ये बहुत अजीब है कि हाँ प्यार भाई से और हुदापी से, ये सब चीज बहुत बहुत मतलब मेरे को भी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही है गाइज। हम लोग का चारों का जो रिश्ता है ना बहुत अच्छा है, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, मुझे बताने की आप लोगों को कुछ जरूरत ही नहीं है। तो गाइज, फिर ऐसा हो गया, फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी। फिर डॉक्टर के पास में जाने के बाद में उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, ये वो बहुत सारे उन लोगों के ब्लड टेस्ट होते हैं वो सब किए उन लोगों ने, पॉजिटिव था, ब्लड टेस्ट में भी पॉजिटिव था। वहां से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है बहुत अच्छी थी, बहुत खुशी हुई जानकर, घर वाले बहुत खुश हुए कि हाँ चलो हमारे घर में फर्स्ट बेबी है गाइज, वो मुस्तजाब, हम मतलब हम हमारे घर में फर्स्ट बेबी, तो उतना ही घर वाले बहुत प्यार करते हैं मुस्तजाब को। तो गाइज, जब मेरा सेकेंड मंथ स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड मंथ मेरी वैसे प्रेगनेंसी ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, जैसा नॉर्मल लोगों के लिए होती है ना डिलीवरी, कोई कोई के लिए 9 मंथ बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते हैं, मेरे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे। तो सेकेंड मंथ में ये हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, तो फिर से डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टर ने एकदम बेड रेस्ट दे दिया मुझे। 3 महीने तक के मैंने एकदम बेड रेस्ट किया है। जब 3 महीने की मैं आप लोगों को सोनोग्राफी कराती हूँ, जब मेरा बेबी एकदम रेडी हो गया था, फर्स्ट मंथ सोनोग्राफी, सेकेंड मंथ सोनोग्राफी, मैं आप लोग को सब दिखाती हूँ। तो गाइज, ये देखो मेरी ये फर्स्ट मंथ सोनोग्राफी है, बेबी का अभी तो बेबी बनना स्टार्ट हुआ, मतलब बेबी बनना स्टार्ट नहीं होता, ये सोनोग्राफी वाले जो भाई मतलब डॉक्टर साहब थे ना, उन्होंने बताए थे कि ये बेबी का किचन है, यहाँ से बेबी को खाना मिलता है, ये वो बेबी ने हमको बताए थे। तो वही चीज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर,
सॉरी सॉरी, बेबी ने हमको नहीं डॉक्टर ने हमको बताए थे, वो मैं बोलते बोलते इतना ज्यादा ये हो गई ना कि मैं क्या बोल रही, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये मेरी फर्स्ट मंथ की सोनोग्राफी थी, मैं आपको सेकेंड मंथ की सोनोग्राफी दिखाती हूँ। तो गाइज ये है मेरी सेकेंड मंथ सोनोग्राफी, ये यहाँ पे मतलब बनना स्टार्ट हो गया था। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी थर्ड मंथ सोनोग्राफी। तो गाइज ये देखो, ये मेरी थर्ड मंथ की सोनोग्राफी, देखो बेबी पूरा रेडी हो गया है। मुस्तजाब मेरी मतलब मेरा मुस्तजाब इसमें पूरा रेडी हो चुका था। कितना क्यूट कर लग रहा है, मेरे को सोनोग्राफी में भी कितना क्यूट लग रहा है। तो गाइज जैसे कि आप लोग ने मेरी थर्ड मंथ सोनोग्राफी देखे ना, थर्ड मंथ में मेरा बेबी पूरा रेडी हो गया था सेकेंड मंथ से। मतलब सेकेंड मंथ में था जब भी, फर्स्ट सेकेंड मंथ में तो सिर्फ हुदापी मेरे साथ गई थी, थर्ड मंथ में भाई जीशान हुदापी तीनों गए थे। और भाई और जीशान को भी देखने का गया था, नहीं हम लोग को भी बच्चा देखने गए, हम लोग को भी बच्चा देखने का कि कैसे मूवमेंट करता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए ना तो नहीं मतलब थ्री मंथ में थोड़ा थोड़ा मूव करने लगा था बेबी, तो ये लोग आए वहां पे हॉस्पिटल में, बारी बारी ये लोग जाते थे अंदर। जैसे एक बार भाई चले गया, एक बार ये जीशान चले गया, एक बार हुदापी चले गए, तो डॉक्टर भी चिल्ला रहे नहीं नहीं आना जाना मत करो, खाली एक ही जन रहो ये वो। चलो ठीक है, भाई एंड तक रुका था, फिर उसके बाद में फिर वो हो गया। और हाँ अंदर था और उसको ये चीज नहीं पता थी, हम लोग शूट नहीं कर सकते, मतलब वीडियो नहीं बना सकते हम लोग जब बेबी मूवमेंट करता है ना, तो ये कहीं भी अलाउ नहीं है। भाई ने ना क्या किया, उठाया कैमरा और शूट करा। अब फिर डॉक्टर ने रोक दिया, सर आप ऐसे शूट नहीं कर सकते हो, आप वीडियो नहीं बना सकते हो। तो भाई ने बोला अच्छा सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता था ये वो, लेकिन छोटी सी क्लिप है, इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ में नेक्स्ट मतलब इसके बीच इस दौरान के बीच आपके साथ में शेयर करूंगी अगर भाई के पास में होगी। भाई से मैंने पूछी थी कि तो भाई बोला था हाँ शायद से है मेरे पास, तो वो मैं लेके आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। फिर उसके बाद में ये मेरा बेबी ना अंदर से ऐसा यो करेगा, ये ऐसा करता था, अल्लाह इतना देख देख के इतना मजा आता था ना। और जो सोनोग्राफी होती थी ना वो मैं पूरा मतलब मजा लेती थी कि हाँ मतलब वो डॉक्टर बताते जाता था और मैं अच्छे से देखती जाती थी ये वो, बहुत ही मजा आती थी गाइज। फिर उसके बाद में मेरा फोर्थ मंथ स्टार्ट हुआ, फोर्थ मंथ में ऐसा हो गया था उल्टी होना स्टार्ट हो गई थी मुझे। थर्ड मंथ तक की उल्टी मतलब लगता था उल्टी जैसा, लेकिन होती नहीं थी। फिर फोर्थ मंथ में मुझे उल्टियां स्टार्ट हुई, ज्यादा सोती थी और मतलब सबको अलग अलग चीजें होती है मेरी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरे टाइम पे जो चीजें हुई है ना वो बहुत ज्यादा अलग अलग हुई है। क्योंकि मम्मी बोलते हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसा था नहीं, आजकल के बच्चों को देखो कैसा कैसा होता है, ये होता है वो होता है, आजकल की चीजें मतलब ये प्रेगनेंसी की जो होती है चीजें वो सबकी मतलब अलग अलग होती है। तो मेरी भी बहुत ज्यादा अलग थी क्योंकि मैं फर्स्ट थी हमारे घर में जो हुआ मुस्तजाब जब। तो फिर फिफ्थ मंथ स्टार्ट हुआ, फिफ्थ मंथ भी मतलब फिफ्थ मंथ की मैं आप लोग को मेरी सोनोग्राफी, फिफ्थ मंथ की सोनोग्राफी मेरी अच्छी नहीं आएगी, एकदम ब्लर ब्लर दिख रही थी। मैं दिखाती हूँ आप, ये देखो फिफ्थ मंथ की सोनोग्राफी मेरी ऐसी ब्लर थी, तो जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने डॉक्टर को वैसे बोली भी थी कि डॉक्टर क्या अभी तो मतलब वैसा, तो बोले कि नहीं आपने ना फिफ्थ मंथ स्टार्ट होने से थोड़ा पहले करवा लिए हो, ये वजह से ऐसी ब्लर आ रही है। तो चलो ठीक है कोई नहीं। फिर उसके बाद में सिक्स मंथ स्टार्ट हुआ, सिक्स मंथ भी और ऐसा होता था ना मेरा वजन ना कम होते जा रहा था, वजन मेरा बढ़ रहा नहीं था, मुस्तजाब का भी वजन नहीं बढ़ा क्योंकि मैं खाती ही नहीं थी कुछ। ऐसा होता था या तो दाल चावल चाहिए मुझे या तो फिर भाजी चाहिए, बस गोश ये वो सबसे ना एकदम अजीब लगता था, खाने का मन ही नहीं होता था, घीन लगती थी बहुत ज्यादा। तो मम्मी मतलब घर में भाजी दाल चावल यही सब बना के देते थे मुझे। फिर उसके बाद में सेवन मंथ स्टार्ट हुआ मेरा, मुस्तजाब को गाइज इतनी घाई थी आने की, इतनी घाई थी। सेवन मंथ में ही नवाब को आना है ना कि अब मम्मा बस मुझे ले आओ, अब मुझे ले आओ, बस मुझे और नहीं रहना है अंदर मम्मा, मुझे आपके पास आना है। तो गाइज मैं ऐसा क्यों बोल रही आपको बताती हूँ क्या हुआ। सेवन मंथ में लेबर पेन जैसा होता है ना, सेम वैसा ही पेन था मेरा। मेरे को ऐसा लगा सुबह 8-9 बजे से हो ही रहा था मुझे, हाँ क्रैम्स होते हैं ना, हो रहा होगा, अब मैं कंट्रोल कर रही हूँ।
नहीं ठीक हो जाएगा, कर रही हूँ ठीक हो जाएगा, करवटे बदल रही हूँ, उठ रही हूँ, चल रही हूँ। अब मम्मी को टेंशन हो गया, मम्मी सो रहे थे, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं करी। मैं बोली अगर मैंने किसी को बोली तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। अब वो रमजान का टाइम था गाइज, उठाऊ नहीं, चलो ठीक है उठा लेती हूँ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मम्मी को उठाई, मम्मी ऐसा ऐसा, मम्मी उठ के एकदम टेंशन में आ गए ना, कब से हो रहा है दर्द बताए नहीं, ऐसा नहीं होता है हाइफा ये वो, कुछ भी हो जाएगा, अभी तुम लोग का तो पहला ही है, सोचना चाहिए। बोली मम्मी अभी क्या करूँ। तो मम्मी ने जल्दी से हॉस्पिटल, मैं हुदापी और मेरी मुमानी है, हम लोग तीनों गए थे हॉस्पिटल में, गए वहां पे। अब वहां पे ऐसा हो गया ना, डॉक्टर ने बोलिए कि बेबी होने वाला है, 7 मंथ में ही बेबी होने वाला है। बोली अल्लाह अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूं। तो फिर मतलब ये था डॉक्टर का कि नहीं अब कुछ भी है, हम लोग को ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। डॉक्टर ने ये तक बोल दी थी कि अगर नहीं रुकाना, और फिर बेबी अगर हम लोग कर भी लेते तो बेबी का सिर्फ वेट 1.5 किलो था, और 1.5 किलो में कोई बेबी बॉर्न नहीं होता है। तो एनआईसीयू में रखने बोली। अब ये था कि हम लोग, एक डॉक्टर ने ये बोली ठीक है हम लोग एक काम करते हैं, बेबी का पेन रोकते हैं आपको, तो बेबी वापस से मतलब ऊपर चढ़ने लगेगा। बेबी एकदम नीचे आ गया था, जैसे डायरेक्ट हो ही जाता ना, तो वैसा हो गया था। अब डॉक्टर ने पेन किलर मतलब पेन रोकी मेरा, और बेबी को वापिस से ऐसा ऊपर चढ़वा दी। तो अब ये हो गया, 3 दिन तक के हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर हुआ नॉर्मल। और उस टाइम की ईद के लिए इतना कुछ सोच के रखे थे, कपड़ा सिलवा है ये वो, सब बेकार, मुस्तजाब की मेहरबानी से। तो फिर उसके बाद में चलो हुदापी और मैंने, हाँ दोनों ने ईद नहीं बनाए। हुदापी पूरा टाइम मेरे साथ हॉस्पिटल में ही रहती थी, कोई रहे ना रहे, मम्मी को हम लोग रुकाते नहीं थे, क्योंकि मम्मी ना बहुत ज्यादा टेंशन लेते, तो मम्मी और मुझे देख नहीं पाते। मतलब अब कोई भी माँ अपने बच्चों को, चाहे मैं हूँ चाहे हुदापी हो, मम्मी हम लोग को दर्द में नहीं देख सकते। तो ये वजह से हुदापी ने मम्मी को रुकने नहीं दी। फिर उसके बाद में जब ये सब हुआ और ऐसा हो गया ना, अब नर्स मेरी ऐसा है कि जल्दी से मिल जाती है, लेकिन वो टाइम पे ऐसा हो गया ना कि यहाँ पे शायद से उसको आता नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ थोड़ी होता है, नहीं नहीं हॉस्पिटल बहुत अच्छा था गाइस खारघर में। खैर शुरू से वो डॉक्टर मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा, तो वहीं पे मेरा ट्रीटमेंट ये सब चलता था। तो वो डॉक्टर ने जब ऐसा वो करी ना, तो गाइस वो जो चढ़ाते ना यहाँ से ग्लूकोस वाला, तो डॉक्टर ने जब फर्स्ट टाइम, और दर्द ही नहीं हुआ। अब जब एक दिन हो गया, अब कैसा ना हिल, मैं बहुत हाथ मूव कर रही थी ना, तो हिल जा रहा था हाथ, और ना सुई मेरी आउट हो गई। हाँ पूरा हाथ यहाँ सूज गया, ये सूझ गया। फिर डॉक्टर लोग ने दूसरी तरफ लगा, वो सिस्टर लोग थे कौन तो भी, हाँ सिस्टर लोग थे, उन लोगों ने दूसरी तरफ लगाया, वहां पे भी आउट, वो भी सूझ गया। अब मेरा ये हाथ है ना पूरा खराब हो गया था, इधर सुझाओ उधर सुझाओ उधर सुझाओ। फिर वो लोग ने यहाँ पे ये वाले हाथ में लगाए मेरे, तो ये वाले हाथ में फिर उन्होंने किसी और को बुलवा के लगाए, तो फिर वहां पे चलो हो गया। फिर तिवासी ईद वाले दिन हम घर आए, तिवासी इतनी चांद रात को हम लोग गए थे ना उदापी, हाँ, चांद रात को हम लोग हॉस्पिटल गए तिवासी ईद वाले दिन, 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, तिवासी वाले दिन हम घर आए। फिर उसके बाद में आके सुकून की सांस ली मैंने ना, ही मुझे इतना फ्रेश फील हुआ ना गाइज, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। ये सब हो गया 7 मंथ में, 8 मंथ में ऐसा